हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में देखा था। आज हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखना चाहते हैं। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जिस भी चीज़ की हमें एडवांटेज मिलती है उसकी हमें कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी जरूर मिलती है। लाइक इफ़ वी टेक एनी मेडिसिन देन देर विल बी एनी साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर ने आपकी जो लाइफ है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है, उसको बहुत फास्ट बना दिया है अपनी इनक्रेडिबल स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज की वजह से। ह्यूमन बींग्स को जो भी चाहिए होता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी सर्च कर सकता है या कुछ भी सेव कर सकता है, राइट? ओके, तो कंप्यूटर को हम एक वर्सेटाइल मशीन बोल सकते हैं क्योंकि ये जो काम करने में इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है? तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में रीड करते हैं, ओके? तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहली एडवांटेज है इसकी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मींस कि आप एक साथ बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। लाइक आप बैकग्राउंड में म्यूजिक बना चला रहे हैं, सामने आप कोई एमएस वर्ड की फाइल बना रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका हो गया मल्टीटास्किंग। ओके, उसके बाद इसकी आती है स्पीड, कि आप जितनी देर में सोच सकते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, कंप्यूटर आपको उतनी देर में करके दिखा सकता है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो आपकी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में नापे जाती है, MIPS, ठीक है? और आज के डेट में कंप्यूटर की जो इनक्रेडिबल स्पीड है वो आपकी मेन फीचर होता जा रहा है आपका डिवाइस यूज करने का। ओके ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट स्टोर और स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एज कम्पेयर टू लाइक पहले हमें अपना डाटा स्टोर कराने के लिए बहुत सारी फाइल्स रखनी पड़ती थी। उन फाइल्स को मेंटेन करना, उन फाइल्स में डाटा को मेंटेन करना बहुत टिपिकल काम हो रहा था, लेकिन आज हम अपने कंप्यूटर में जो आपका फाइल्स का बर्डन था वो कम हो गया है, तो आपका जो बजट है वो भी लो हो गया है और उस डाटाबेस को मैनेज करना भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान हो गया है। ओके, उसके बाद आपकी आती है एक्यूरेसी। लाइक जब हम फाइल्स में काम कर रहे होते थे तो आप क्या करते थे कि भाई मान लो कि दो फाइल हैं, दो फाइल्स में सेम बंदे का नाम है या डुप्लीकेसी होगी है, तो वो एक जगह आपने डाटा अपडेट कर दिया, एक जगह आपने नहीं किया, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत टफ होता जा रहा था, ठीक है? तो आपका कंप्यूटर यूज करने का जो रूट एडवांटेज हुआ वो यही हुआ कि आपने एक्यूरेसी को इसने प्रेफरेंस दी। उसके बाद आपका आता है डाटा सिक्योरिटी, कि आपका जो डाटा है वो बहुत ही सिक्योर वे में आपका कंप्यूटर में रखा जाता है। ओके ओके, तो ये थे आपके बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस थी वो। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला आता है वायरस हैकिंग। जैसे कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है कंप्यूटर का वो यही होता है कि आपका वायरस अटैक हो जाए या फिर हैकिंग हो जाए आपके सिस्टम की, तो उससे बचना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपको वायरस और वॉर्म्स, हैकिंग, इन सब वर्ड से फेमिलियर होंगे। नहीं है तो हम आगे किसी वीडियो में इन सब के बारे में भी बता देंगे। ओके, उसके बाद आपका आता है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। आजकल क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को आप स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स। लाइक हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करना, तो उससे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन साइबर क्राइम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को सारी चीज़ें यूज करने की परमिशन दी जाए बट विद द हेल्प ऑफ देयर विद इन द गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, तो ये थी आपकी डिसएडवांटेजेस। एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं होता है, जैसा आप उसको बोलते हैं वो वैसा ही काम करके देता है, ठीक है? तो कंप्यूटर हैज़ नो IQ, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर आपने गलती से कोई इनपुट गलत दे दिया तो वो उसी के बेस पे आपका आउटपुट देगा। आई डोंट थिंक कि वो खुद से कुछ करेक्शंस कर सकता है, ठीक है? वैसे आजकल तो स्मार्ट कंप्यूटर्स हो इन द सेंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का डेवलपमेंट हो रहा है, बट फिर भी कंप्यूटर हैज़ नो IQ, इट इज़ ऑल्सो ए डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो ये थी इसके डिसएडवांटेजेस। तो आज के लिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने डिस्कस करनी है, ठीक है? थैंक यू।